कोयले की भीषण किल्लत की वजह से बिजली संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र को इंडोनेशिया से 20 लाख मीट्रिक टन कोयला हासिल होगा। महाजेनको की निविदा को मंजूरी देते हुए इंडोनेशिया ने 20 मई से आपूर्ति देने का फैसला किया है। बहरहाल आयातित कोयला देसी कोयले के मुताबिक 2.5 गुना से अधिक महंगा है। कोयले की किल्लत की वजह से महाराष्ट्र के सभी ताप बिजली केंद्र ऑक्सीजन में है। बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ मानसून के लिए स्टॉक तैयार करने की दोहरी जवाबदारी है। हालांकि रेलवे के पास खाली रैक की उपलब्धता बढ़ने से कोयला आवक में सुधार हुआ है। पहले जहां 25 रैक कोयला आ रहा है, वही आज इनकी संख्या बढ़कर 30 हो गई है। बहरहाल आवक बढ़ने के बाद भी बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति अति संवेदनशील बनी हुई है। इस बीच महाजेनको ने इंडोनेशिया से 20 लाख मीट्रिक टन कोयला हासिल करने में सफलता हासिल की है। महाजेनको के अनुसार केंद्र सरकार ने कोयला की कुल खपत का 10% आयात करने की अनुमति दी थी। इसके तहत वह इंडोनेशिया से 20 लाख मीट्रिक टन कोयला लेगा। पहले वर्ष उसे 10 लाख मीट्रिक टन कोयला मिलेगा। बरसात में समस्या बढ़ने पर वह कंपनी से और कोयला लेंगे, अन्यथा वर्ष 2023-24 में शेष 10 लाख मीट्रिक कोयला लेगी। अगर जरूरत नहीं पड़ी तो यह कोयला नहीं लिया जाएगा। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।